शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन शर्मा जी गम तो ये है कि मैंने अपने बेटे को पाकर फिर से खो दिया। हो सकता है वो भी आपको ढूंढ रहा हो। वो ढूंढेगा तो पाया हुआ भी खो देगा। भाभी जी, रवि को काजल के बारे में पता चलेगा और काजल रवि के बारे में जानेगी। ये वक्त हमें क्या दिखा रहा है। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए वक्त पर ही छोड़ दीजिए। अगर रवि इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शर्मा जी को यहाँ से ऑफिस शिफ्ट किए हुए काफी टाइम हो गया। उनका कोई नया पता होगा आपके पास? जी मुझे मालूम नहीं। ए, अबे देख के चल, गार्डन में चलता क्या? मस्का लगा के दे। देख जा, पकड़ा रहा है। चल माल निकाल, माल मैं देख सकता हूँ। चल माल निकाल, है निकाल। काफी गहरा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वैसे इनके साथ आपका रिश्ता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। नहीं, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि एक आदमी को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। बेचारा अकेला था तो मैं भी कूद पड़ा उसके अंदर, यू नो, जंप टप 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 जंप करके मदद की, थोड़ी सी डिशुम बिशुम हुई और अभी अभी मैं उसको अस्पताल छोड़कर सीधा घर वापस आया। ये दूसरों की आग में कूदना कब से सीखा आपने? कौन जाने, इनमें से कोई
अपना ही हो। अब कैसा है वो? बेहोश था, डॉक्टर ने कहा है सुबह तक होश आ जाएगा। वो अस्पताल में है, उसके घर वाले, किसी को कुछ खबर नहीं, बेचारा। हेलो। अब कैसी है तबीयत आपकी? आप शायद राजा हैं? जी हाँ। मैं आराम से, आराम से। थैंक यू जी। आप बताइए जनाब, आपका कोई घर, कोई रिश्तेदार जिसको खबर कर दें? माँ है, पर उसका पता शहर में, अजनबी हूँ। लगता है ये शहर रास नहीं आया आपको। मुझे तो जिंदगी ही रास नहीं आई। माफ कीजिएगा, मैं आपके जख्म को रेंदना नहीं चाहता था। अब तो दर्द का एहसास भी जाता रहा। मैं आपका कोई दर्द नहीं बांध सकता। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं इसका एहसानमंद हूँ। अब तो हर ख्वाहिश भी मर गई है। मौत भी आई तो आंख चुरा कर निकल गई। आखिर क्या चाहती है जिंदगी मुझसे? दोस्त कोई अधूरा काम है जिसे आप पूरा करने वाले हैं। सच मानिए। चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं। काका जी, आप देख रहे हैं, आजकल माझी कुछ खोई खोई सी रहती है, जैसे उनका ध्यान कहीं और हो, है ना? क्या हुआ माझी? कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अगर सरकार की इजाजत हो तो हम आपका जन्मदिन बहुत ही ज्यादा धूमधाम धूमधाम से मनाना चाहेंगे। और अगर हम इजाजत ना दे तो तब भी आप मनाएंगे? जरूर मनाएंगे। तो फिर पूछते क्यों हो? सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। जानती हूँ, मगर इसे धूमधाम से मनाने की क्या जरूरत है? काजल, जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उसे बटोर लो, क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। आजकल मैं अच्छी बातें करने लगा हूँ ना? मेरा असर है जनाब। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब आपका दोस्त कैसा है? काजल, सिर्फ दो दिनों में एक अजनबी इतना गहरा दोस्त बन जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आप उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। नो प्रॉब्लम, मिलवा देते हैं ना। आज शाम को पार्टी पर उन्हें भी बुलवा लेते हैं। एक बात कहूँ? कहिए। माँ जी कल से बहुत बेचैन है, बात बात पर चौक उठती है, हर वक्त जैसे उनका ध्यान कहीं और। अरे कोई बात नहीं ना, आज शाम को उनका भी मन बहल जाएगा, मेरे दोस्त से मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी, समझो कि एक और बेटा मिल गया उन्हें। क्या? अच्छा, अब इजाजत है? हमें भी शाम का इंतजार रहेगा। तो मैं जाऊं? जाओ। पक्का जाओ? हाँ जाओ, बिल्कुल चला जाओ। हाँ, चला गया ना मैं। Happy birthday to you. Happy birthday. My God. क्या सोच रहे हो दोस्त? अपनी बची हुई जिंदगी का हिसाब किताब कर रहा था। तुम अब अच्छे हो गए यार, आप सब फटाफट ठीक हो जाएगा। मुझसे क्या उम्मीद रखोगे तुम राजा? मैं तो खुद अपनी परछाई हूँ, दिल तो है लेकिन उसकी धड़कन का कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो बस जीने के नाम पर जिए जा रहा हूँ। यार रवि, जानते हो मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसे ही बेकार, लेकिन खुशकिस्मत हूँ कि प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दे दिए। और अभी मैं तुम्हें अपने प्यार से मिलाना चाहता हूँ दोस्त, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ, जिसने अपनी ममता की दौलत से मुझे मालामाल कर दिया। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालना चाहता राजा, लेकिन ये लेकिन बेकिन का चक्कर बिल्कुल नहीं है। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। आज तुम्हारी भी पत्नी का जन्मदिन है? तो मैं जरूर आऊंगा। आओ रवि। हेलो। हेलो राजा। वेलकम वेलकम। तुमने यहाँ आकर हम सब पे बहुत एहसान किया है। अरे आओ, तुमको अपनी माँ से मिलाता हूँ। आओ माँ। माँ इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त रवि।
और रवि यह है मेरी माँ, जिनके कदमों के नीचे ही मेरी जन्नत है। बेटा, तुझे गले लगाते ही माँ के कलेजे को ठंडक पड़ गई। तुम्हारे कदमों में जन्नत है माँ, भटके हुए को भी मंजिल मिल जाती है। क्यों मम्मी? रवि इधर आओ, हम तुमको अपने प्यार से मिलाते हैं, लेकिन जरा दिल थाम कर रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल, क्या ख्याल है? आज तुम्हारी सारी बातें सच हो रही हैं। खुश खो बैठा हूं मैं, जानता था। एक मिनट, काजल चलो जरा दिलों पे छुरी चलाने की रस्म भी पूरी कर ले। क्या? कम हैप्पी बर्थडे टू यू। ठोकरें थी मेरे बच्चे और सहारा कोई ना था, फिर राजा एक बेटा बनकर आया और मेरे कहने पर रवि, काजल ने वक्त के आगे अपना सर झुका दिया। पर तू था कहाँ मेरे बेटे, तू कहाँ था? कौन जाने कहाँ था माँ। बहुत से दिन वही ने मेरी जिंदगी के कैलेंडर से किस्मत में फाड़ के फेंक दिए थे। जान बच गई। वक्त का दरिया ना जाने मुझे कहाँ बहा ले गया। कुछ गांव वालों ने मुझे बचाया, ये तो बस तेरी भक्ति और कर्मों का फल था माँ जो मैं बच गया। जान तो बच गई लेकिन होश न था, और जब होश आया तो तुम लोगों की याद आई, और जब याद आई तो हवेली पहुंचा। हवेली सुनसान, मुंह खोले दर्द की कहानी सुना रही थी। कौन है भाई? तो कुंवर जी, आपकी मौत की खबर सुनने के बाद धरेंद्र प्रताप ने माँ जी और बहू रानी पर बहुत जुल्म ढाए, पता नहीं अब वो जिंदा भी हैं या। और आप लोग आज मिले भी तो। कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे हाथों, उससे कितना बड़ा अनर्थ हो गया बेटे। लेकिन अब